हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक मास्टर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, क्योंकि इसी तरीके की मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ। इसे जब भी मैं नेक्स्ट टाइम कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप सबसे पहले वो वीडियो देख पाएंगे। सो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किने मास्टर से अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, क्योंकि अभी किने मास्टर ने वीडियो लेयर का ऑप्शन रिमूव कर दिया है, जिस वजह से हमें किने मास्टर से वीडियो रिकॉर्डिंग का बैकग्राउंड चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है और उस वीडियो रिकॉर्डिंग पर फ़ोन यानी स्मार्टफोन का फ्रेम कैसे ऐड करना है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे किने मास्टर। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये वाला ऐप हमें ओपन करना है सर्च करके। इसे मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आप भी इंस्टॉल कर लेना। 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोडिंग है, 4.4 की रेटिंग है। चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन होने पे आपका कुछ ऐसा होम स्क्रीन आएगा। हम यहाँ पे न्यू क्रिएट प्रोजेक्ट पे टिक कर देते हैं। प्रेस करने पे हमें जो भी वीडियो हमें एडिट करनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो हम ले लेते हैं, जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करी है। कॉमन स्टेप MP3 भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सॉन्ग वगैरह, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ऐड करने में हमारा कुछ इस तरीके से स्क्रीन शो करेगा। तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका साइज चेंज करना होगा। हमें इस वीडियो लेयर पे टिक करेंगे, फिर क्रॉप में जाएंगे, साइज रिसाइज कर लेंगे। जहाँ पे हमें इस वीडियो को प्ले करना है साइड में, लेफ्ट में, राइट में, उस टाइप से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। फिर टिक करके अपना सेव कर देंगे। फिर उसके बाद लेयर पे प्रेस करेंगे। फिर लेयर पे प्रेस करने पे हमें इमेज चूज करना है। हम अपने पास से भी कोई बैकग्राउंड ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं सिस्टम का ही लेने वाला हूँ, वाइट ले लेते हैं। वाइट ले लेंगे, फिर अपने आप इसे क्रॉप करके, बड़ा करके एडजस्ट कर देंगे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के स्क्रीन के अकॉर्डिंग। उसी के अनुसार एडजस्ट कर देंगे, हल्का सा बीच में गैप रख देंगे, जैसे कि अपना कोई अपना फ़ोन वाला फ्रेम जब ऐड करेंगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। फिर यही फार्मूला हमको चारों तरफ से लगा देंगे। इधर से भी ले लेते हैं वाइट बैकग्राउंड, यहाँ पे एडजस्ट करके, बड़ा करके इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। हल्का सा गैप बीच में रखना है, फिर यहाँ पे भी प्रेस करके ओके कर देंगे। इससे हमारा दोनों तरफ का वाइट बैकग्राउंड हो गया। अब चलिए फिर से लेयर पे प्रेस करके इसको हम बढ़ा के वीडियो के बराबर कर लेंगे, फिर ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे लेयर पे जा करके अपना फ्रेम ले लेंगे, जो भी हमें फ़ोन अपना ऐड करना है PNG फ़ोन का फ्रेम। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन PNG फ्रेम, सर्च करिए आ जाएगा। तो इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, जैसे ही हमारी स्क्रीन है उस पर फिट कर लेंगे। जब हमारा एक्चुअल बिल्कुल फिट हो जाए तब इसको हम ओके कर देंगे, जिससे कि हमारा लगे कि हाँ फ़ोन के अंदर वीडियो चल रही है। तो यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो गया। अब इसको भी वीडियो के साइज़ के बराबर कर लेते हैं नीचे से। तो अब यहाँ पर हमारा तीनों चीज़ ओके हो गए हैं। देखिए सर, देखिए आपको लगभग देख पा रहे होंगे आप लोग कि हमारा एकदम प्रोफेशनल वीडियो है, अच्छा खासा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। यहाँ वीडियो लेयर का ऑप्शन हटा दिया, फिर भी हम यहाँ से वीडियो का बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम लगा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पूरा कम्प्लीटली हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। चलिए वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं फिर से एक बार। ये देखिए प्रॉपरली प्ले हो रही है हमारी, ऐसा लग रहा फ़ोन के अंदर प्रोफेशनल वीडियो बन गई हमारी। इसको एक बार फिर से बड़ा करके प्ले करते हैं अपना फुल स्क्रीन पे फ़ोन की। इस तरीके से कुछ प्ले हो रहा है। स्टॉप करते हैं, बैक करते हैं। प्ले करके तो हमने देख लिया, आप जान लेते हैं कि इसे सेव कैसे करना है अपने फ़ोन स्टोरेज में या एक्सटर्नल स्टोरेज में। तो हमें इस यहाँ पे शेयर पे प्रेस करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा सेव वीडियो टू गैलरी, यहाँ पर प्रेस करना है। यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हमारे पास तीन क्वालिटीज़ आएंगी। तो अब हमें यहाँ पे जिस क्वालिटी में अपनी वीडियो सेव करनी है वो क्वालिटी चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे हाई क्वालिटी चूज़ करने वाला हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि सेव होने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये थोड़ी देर में कम्प्लीट हो जाएगा।
फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे को भी जरूर बजा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।